कौन सा जगह है अपना ओरिगुड का है? कुरिया मोहल्ला बोलते हैं। कुरिया मोहल्ला बोलते हैं। हाँ, तो कुरिया मोहल्ला में ऊपर हम नहीं, अब अटल नगर हो गया। हाँ, अटल नगर, कुरिया नगर, ओरिंग मोड़ ना। और देखिए, अब बारिश जब चालू हुआ है तो बारिश में सावधानी रखना है। ये जो आपका आंगन है, कम से कम अभी तो देखिए, आप देख लिए रात को यहाँ पे लाइट वाइट जो भी लाइट है ना, उजाला पक्का रखे, क्योंकि बारिश घर में घुसा बारिश के समय में है तो दिक्कत होता है। पानी डाले? पानी मत डालिए, हम निकाल रहे हैं। तो इटू आटा ना है? नहीं नहीं, सीख है झाड़ू का। हाँ। बोला है तोड़ के वो सीख दीजिए। चल भाई बाहर आ जाओ, काहे परेशान कर रहे हो? इटू तोड़ देगा? रुकिए रुकिए, एक मिनट, अगर निकल जाएगा अपने आप ही तो काहे इटा तोड़ेंगे। काटता है? काट, फुर्तीला काफी है। हाँ, थोड़ी देर मुझे लगता है इस तोड़ना ही। ये है ना, फंस गया उसी में वो। फंस गया, सही बोल रहे हैं। वो देखिए काट रहा है ना। कोई भी जीव हो अगर उसको परेशान करेंगे, देखिए देखो दिखाओ, ये देखिए कैसे। ये कपड़ा को देख रहे हैं ना, देखिए कपड़ा को कैसे पकड़ लिया है। और दांत देखिए इसके मुंह, ये मुंह में दांत है ना, इसीलिए देखिए कोई डरने वाला बात नहीं है। देखो इसको पास से दिखाओ। तो देखिए ये है हमारा कॉमन वुल्फ स्नेक, इसको कहते हैं, ये जहरीला। इसी में एक तो दिखने वाला सांप है करेत। हाँ। करेत होता है, बस करेत में अंतर क्या है कि वो होता है काला। हाँ। और ये जो लाइन आपका दिख रहा है ना। हाँ। वो सफेद सफेद होता है और पूरा छुके, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूरा कुछ नहीं। तो देखिये सांप जो है ऊपर दिखा, देखो सांप तो है बिल्कुल नॉर्मल, अधिकतर ये छिपकली उपकली के चक्कर में ही घर में घुसता है। छिपकली जहाँ इसको मिलेगा, कीड़े मकोड़े मिलेगा, उसको खाने के लिए। आप अभी बरसात में आपके पास ब्लीचिंग होगा। हाँ। ब्लीचिंग पाउडर तो कम से कम ये जो गमला के आप जो किनारे बिल उल देख रहे हैं ना, तो हल्का 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 ब्लीचिंग पाउडर किनारे किनारे जहाँ जहाँ पानी गिरता है। हाँ। छिड़क दीजिए, क्योंकि बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में सांप अधिकतर निकलते हैं। बाकी कोई डरने वाला बात नहीं है कि आप डरे, बस जानकारी आपके पास रहे। जैसे आप छू लिया अभी, छू के दिखाइए, तो जैसे आप छूए तो आपको लगा ना कि हाँ भाई हमको नॉलेज है। तो इसी तरह के हर चीज की जानकारी रखेंगे तो आपको कभी खतरा महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 से ज्यादा सांप है, जिसमें से गिने चुने 4-5 सांप है जो खतरनाक है। उसमें से एक जानते हैं नाग। हाँ। रसल वाइपर जिसको जाड़ा बोलते हैं। हाँ। और एक ठोक करे, तीन यही सांप है, बाकी सारे सांप पानी वाले, धामीन और ये और ट्रिंकेट और दो मुआ है। मम्मी कैसे कहते अम्मा आ रही है, अम्मा कभी खबर देखिए आपके यहाँ निकला है ये। आ गया है, कोई बात नहीं है, जहरीला सांप नहीं है, डरने वाला बात नहीं है, बस जानकारी रखना कि जहरीला है कि नहीं। क्योंकि देखिए हमारा जो घर है खुद जंगल पहाड़ से सटा हुआ है, तो जंगल पहाड़ से सटा रहेगा तो छोटा मोटे जीव जंतु तो दिखेंगे ही। मैंने जहरीला नहीं है, ये दिखने में आपको खतरनाक लग रहा है, कॉमन वुल्फ स्नेक है इसका नाम है, ये जहरीला नहीं था, देखिए जीव दिखा रहा है, तो कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है ना। देखिए आप लोग का बहुत आभार है इन लोग का कि जैसे आपने मारा नहीं, एक बार हमको याद किया। अब हम इसको देखिए सुरक्षित पकड़ लिए हैं, थोड़ा दूर जाएंगे जहाँ जंगल झाड़ी वहाँ छोड़ देंगे इसको भी। जाओ किसी के यहाँ मत निकलना, चल जाओ। ठीक है भैया, आप लोग का बहुत बहुत आभार। बन कर तो देखिये ये सब मेरे भाई है, ये हमेशा हमारे यहाँ जो बस्ती है ओडिंग मोड़ है दिखावा। तो ये सांप को बचाने में आपको कुछ तो जानकारी रही कि भैया पानी वाला सांप बताए थे, धामिन बताए थे, ये बताए थे, तो उसको आप लोग मानेंगे नहीं। हाँ ठीक है भाई, बन कर दो। अभी जो हम लोग ने स्नेक पकड़ा, इधर दिखाओ, इसे कहते हैं कॉमन रूप से छिपकली उपली खाने के लिए, अधिकतर घर में कीड़े मकोड़े छिपकली खाने के लिए आता है, जो ओडिंग मोड़ से पकड़े हैं। ये बिल्कुल जहरीला सांप नहीं, देखिए इसको हम छोटे नीचे दिखाओ, तो देखिए दिखाओ इधर, पास आओ पास आओ। तो देखिए ये जो है, बस छोड़ दो चले जाएगा। हाँ दिखा दो, बस छोड़ दो, रान घुस जाएगा। ठीक है, थैंक यू।